अस्सलाम वालेकुम नाजिन, आज मैं आपको कीमा रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत जायकेदार है, बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाता है। चलिए इसका बनाने का विधि दिखाते हैं। ये आधी किलो गोश्त है जिसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ये एक हड्डी भी लिया है इसमें, और ये दो रफली कटा हुआ प्याज है बड़े साइज़ का, और ये चार हरी मिर्ची है, चौथाई चम्मच लाल मिर्ची, चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक है, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, ये लहसुन अदरक है, ये एक कटोरी हरा धनिया है। चलिए अब बनाते हैं। कुकर में ऑयल डालते हैं, ये कम से कम आधा कप ऑयल है। ये ऑयल हमारा जब गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को डालकर इसे अच्छी तरह चलाना है। आंच को मीडियम रखिएगा। इसी तरह चलाते हुए मुझे हल्का ही ब्राउन करना है, मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम लहसुन, एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच अदरक डालेंगे और इसको थोड़े देर के लिए चलाएंगे ताकि इसका स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे और कीमा को भी डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह भूनना है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए अब हम इसमें ये जो मसाले हमने तैयार किए थे ये सारे मसाले डाल देंगे और इसे फिर हम मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें मिक्स करते हुए मसाले को भी भूनना है, साथ साथ गोश्त भी भुनेगा हमारा। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, आधा ही हरा धनिया डालिएगा, इसे एक बार और डालेंगे। अब इसको इसी तरह भूनते हुए हमें अच्छी तरह से भून लेना है कीमा को। अब ये देखिए भून गया है हमारा कीमा। अब इसमें हम आधा गिलास पानी लगा देंगे। ये देखिए अब कुकर बंद करने के लिए तैयार है। अब हम इसमें ढक्कन लगा कर 15 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। अब देखिए ये 15 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन खोलते हैं, देखिए हमारा कीमा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, पानी भी सारा सूख गया है। अब इसे चलाते हुए हम इसको ऊपर से फिर हम हरा धनिया डाल देंगे जो हमने बचा रखा था आधा। अब ये कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। एक बार अपनी किचन में ज़रूर बनाइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।